मैम आप पिछले महीने मदीना होकर आई और आपकी सरकार में एक सबसे अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें ये हुई कि महिलाएं अकेले जाने लग गई और उनकी संख्या भी चार हज़ार के ऊपर अब जो देखने वाली बात है जब आप ऐसी जगह जाती हैं जहां पर अभी भी बहुत बाबंदियां हैं वहां पर भारत का ये जो रिसर्जेंस है इसको कैसे देखा जाता है देखिए मेरा मदीना में या फिर हज की तैयारियाँ कैसे हों इसके संदर्भ में उस देश में जाना प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता जो इस्लामिक नेशंस में है उसका सबसे बड़ा एक मुझे लगता है प्रतिबिंब है ये सत्य है कि महिला बिना महरम के अब जा सकती हैं हज के लिए वो इसलिए भी क्योंकि धर्म में ये अनुमति थी धर्म में ये पाबंदी नहीं थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस निर्णय को करा तब उन्हें यह ज्ञात था कि जब धर्म पाबंदी नहीं देता तो प्रशासन क्यों पाबंदी और रोड़ा बने उन्होंने व्यवस्थाएं कुछ ऐसी की ये चार हजार महिलाओं का जाना अपने आप में अद्भुत क्यों है क्योंकि व्यवस्थाएं बन जाती हैं लेकिन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल जब तक विश्वास ना हो तब तक नहीं किया जाता तो ये चार हजार तीन सौ महिलाएं थी जो अकेले हज के लिए गईं उनका वहाँ जाना इस विश्वास को भी दर्शाता है कि आज हिंदुस्तानी चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो वो जानता है कि अगर मुसीबत सरहद पार भी आई तो मोदी है तो मुमकिन है तुम घर लौटोगे ही लौटोगे वेरी पावरफुल इन डीज एंड देर इज नो डाउट